क्या लें दोस्तों, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई लेटेस्ट मैजिक ट्रिक लेके। आज की जो मैजिक ट्रिक होगी दोस्तों, वो हमारी इन कार्ड्स के ऊपर होगी। मैजिक ट्रिक कैसी होगी, मैजिक ट्रिक क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। चलिए तो दोस्तों, मैजिक ट्रिक ये है, बेसिकली हमने कोई भी पत्ता कहीं से भी लिया, क्या आप इस पत्ते को बिना देखे पीछे से बता सकते हैं कि यह पत्ता कौन सा है? नहीं बता सकते हैं, तो मैं बताऊंगा ये ट्रिक कैसे की जाती है, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने इस पत्तों को इस तरह कर लिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अब हमने ये पत्ता उठाया, ये पत्ता ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो पत्ता है ये 7 नंबर का पत्ता है, ठीक है? और इसका जो कलर बनेगा दोस्तों, वो ब्लैक कलर बनेगा, ठीक है? अब एक बार हम भी देख लेते हैं, करेक्ट है दोस्तों, आपकी आंखों के सामने करेंगे। ये एक तरह से एक किस्म की मैजिक ट्रिक है, क्योंकि मैजिक इसमें यह है कि कोई भी इंसान कैसे पत्ते को बिना देखे पीछे से देख के बता सकता है कि पत्ता कौन सा है, ठीक है? ये जो पत्ता है 10 नंबर का है और इस पत्ते का कलर ब्लैक बनेगा। एकदम सही है दोस्तों, ठीक है, एकदम सही है। जैसे कि आपके नजरों आंखों के सामने जो है, हम ऐसे कर रहे हैं और कंटिन्यू आपको पत्ते उठा के दिखा सकते हैं। ये जो पत्ता बनेगा दोस्तों, ये हमारा बादशाह बनेगा और इसका कलर रेड होगा। सही है, ये जो पत्ता बनेगा ये 2 नंबर का पत्ता है और कलर इसका जो बनेगा वो रेड बन नहीं कलर जो है इसका ब्लैक है, ठीक है? ठीक है, अब आपको कंटिन्यू बताएंगे। ये देखें दोस्तों, इसकी ट्रिक यही है कि कोई भी कैसे बता सकता है कि पत्ते को बिना देखे कि कौन सा पत्ता है, ठीक है? हम आपको बताएंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो पत्ता है ये 5 नंबर का पत्ता है और इसका कलर जो है दोस्तों वो ब्लैक है, ठीक है? अब हम आपको कंटिन्यू बताएंगे, बार बार ऐसे करते रहेंगे तो कुछ नहीं है ट्रिक पर। ये ट्रिक जो हम आपको सिखा रहे हैं ये एक तरह का मैजिक है। मैजिक क्या है दोस्तों, ट्रिक ही होती है। इस ट्रिक को हम आपको दिखा रहे हैं तो इस ट्रिक को हम सिखाएंगे भी। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर आप इस कार्ड को खरीदना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे आपको ये मिलेगा कैसे, ठीक है? ये जो कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड बनेगा हमारा 10 नंबर का, ठीक है? 10 नंबर का कार्ड बनेगा, कलर जो होगा इसका रेड होगा, हमारे हिसाब से रेड ही है। ये जो कलर होगा, ये जो पत्ता बनेगा दोस्तों, ये 2 नंबर का पत्ता है, कलर छोड़ देते हैं फिलहाल। ये जो पत्ता है ये 4 नंबर का, कलर छोड़ देते हैं फिलहाल। ये जो पत्ता है ये 5 नंबर का पत्ता है, कलर छोड़ देते हैं फिलहाल। ये जो पत्ता है वो 1 नंबर का पत्ता है, ठीक है? इसका कलर बता देते हैं, इसका कलर रेड होगा, एक बार हम भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पत्ता सही बताया। अब दोस्तों ये मैजिक किया कैसे? अगर आप ऐसा सोचते हो कि पत्ते के पीछे भैया लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। चलिए हम आपको पत्ते दिखा देते हैं दोस्तों। इन पत्तों को जो है मेरे भाइयों, ध्यान से देखें, पत्तों में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है जिससे ये पता कर सके कि ये मैजिक के कैसे दिख रहा है हमें। इसमें एक क्लू होता है, वो क्लू क्या होता है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए सिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखना है, मिस्टर मैक्स, ठीक है? एक कंपनी है मिस्टर मैक्स नाम की, जो कि प्लेइंग कार्ड बनाती है, ठीक है? प्लेइंग कार्ड बनाती है। इसमें करती क्या है ये कंपनी दोस्तों, अपने इन कार्डों के अंदर कुछ ऐसे क्लू छोड़ती है जो कि लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ ऐसे हिंट देके जाती है कंपनी, जिसके कारण हम अगर उन हिंटों को सीख लें तो पत्ते को बिना देखे जो है पीछे से ही बता सकते हैं कि पत्ता कौन सा है, कौन से कलर का है। बाकी मुझे चिड़ी विड़ी वो सब समझ में नहीं आता, तो मैं केवल कलर और आपको पत्ता बता सकता हूँ। अगर आपको समझ में आता हो तो आप लोग ध्यान से कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक यही होती है कि हम पत्ते को बिना पीछे से, मतलब बिना देखे पीछे से पत्ते को देख के बता सकते हैं कौन सा पत्ता है, कौन से रंग का है। अगर आपको सपोज करो, अगर आपको ये पता चल जाए, अगर कोई आप गेम खेल रहे हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाले के पास पत्ता कौन सा है, तो आप 100% हर बार जीतोगे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए अब आपको ये आप पहले ये ध्यान रख लें, मिस्टर मैक्स प्लेइंग कार्ड, ये नाम याद रखें। चलिए आपको बताते हैं, इसके हिंट समझाते हैं, ठीक है? उसके बाद में ये जो हमने मैजिक किया है इसकी ट्रिक सिखाते हैं आपको, और उसके बाद वीडियो को पूरा देखना, एंड में बताएंगे भी ये ताश की गड्डी जो है कैसे मिलेगी आपको, ठीक है? वीडियो को स्टॉप करना है, काटना। तो दोस्तों चलिए अब आपको सिखाते हैं ये मैजिक ट्रिक हमने किया कैसे था, ठीक है? जब भी आप ये मिस्टर मैक्स की गड्डी खरीदोगे तो सबसे ऊपर का पहला जो पत्ता होता है उसमें लिखा होता है इंस्ट्रक्शन फॉर मिस्टर मैक्स, यानी कि इस कार्ड के हिंट्स के बारे में इस पत्ते में बताया होता है, ठीक है? तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो पत्ता है, मैं आपको ऐसे नहीं, इसके फूलों के हिसाब से ही समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों? इसके हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पे हिंट्स जो है, नंबर के जो हिंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, फिर बादशाह तक, जोकर से लेकर क्वीन बादशाह तक, तो वो जो हिंट्स हैं इसके नंबर वाले हिंट्स, वो इस फूल में होते हैं। ये जो पहला फूल है, बीच वाला फूल,
पत्ते को चाहे सीधा घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, एक ही बात है, दोनों में हिंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो हिंट्स है दोस्तों वो इसके अंदर होता है। एक मिनट वेट करना मेरे भाइयों, एक मिनट वेट करना, चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6 7 करके, तो यहाँ पे ये पत्ते होते हैं, इस साइड से गिनती चलती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक यहाँ होता है, फिर 7 से 8 9 10। अब मैं इसको बताता हूँ, जैसे ये गिनती है ना, तो इसमें सबसे बड़ा हिंट कैसे होता है हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें इन सब पत्तों में एक हिंट होता है दोस्तों, ठीक है, हिंट बता देते। जैसे कि देखो, हर पत्ते में लाइन जो है प्रॉपर जारी होगी सीधी, किसी एक पत्ते में लाइन जो है थोड़ी सी छोटी होती है। देखो ये देखें, ये देखो 5 नंबर के पत्ते में ये लाइन छोटी है, तो ये 5 नंबर है, यानी हर फूल में लाइन सीधी जारी होगी, और जिस जो पत्ता जो किलो वाला पत्ता होगा उसमें लाइन थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे हिंट लाइन कम है, तो इसमें भी लाइन कम होगी। देखो जैसे कि ये है ना, इक्का दुग्गी, 3रे नंबर पर जो है लाइन कम है, ठीक है। तो ये जो पत्ता है हमारा, ये 3 नंबर का पत्ता है। इन फूलों में जिस भी नंबर की लाइन कम होगी, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा ये पत्ता कौन सा है, और उन फूलों के नंबरों के जो है उस हिसाब से हम यहाँ पे हिंट से पकड़ सकते हैं पत्ता कौन सा लिखा हुआ है, कौन से पत्ते का क्या नंबर है और क्या है। और हिंट यही है कि पत्ते की लाइन जो है थोड़ी सी छोटी होगी, जिसके कारण हम पत्ते को पीछे से बता सकते हैं पत्ता कौन सा। जैसे कि ये 3रे नंबर पर है, तो ये 3 नंबर का पत्ता है, जैसे कि ये हमारा 3 नंबर का पत्ता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, अब बचती है कि हमने कलर कैसे बता रहे थे, ठीक है दोस्तों, हम कलर कैसे बता रहे थे, दूसरा पत्ता ले लेते हैं, हम कलर कैसे बता रहे थे। तो कलर्स का जो हिंट होता है वो इन तरह के 4 कॉर्न आमने सामने होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी दोस्तों देख लें, हर फूल पे लाइन होगी, ठीक है, जिस फूल में लाइन नहीं होगी वो पत्ता कलर का हिंट बताएगा हमें, ठीक है। जैसे कि ये फूल बन, जैसे ये वाला जो फर्स्ट फूल है, ये राइट हैंड वाला, ये जो ये वाला फूल है, इसके सीधे हाथ वाले फूल में हिंट होता है, इस वाले में नहीं होगा, ठीक है, इस फूल के सीधे हाथ वाले में हिंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका सामने वाला, फिर इसका सामने वाला, तो जैसे कि इस फूल में लाइन नहीं है, तो उस हिसाब से हम बताएंगे जैसे कि यहाँ पे किस फूल में लाइन नहीं है, इसमें जो है इस साइड लाइन नहीं है, इस साइड, ठीक है, बाकी सारी साइड लाइन है, बस इस साइड लाइन नहीं है, तो ये जो पत्ता होगा ये हमारा ब्लैक कलर का होगा। इस फूल को ध्यान से देखें दोस्तों, इस फूल में लाइन नहीं है, तो ये पत्ता ब्लैक कलर का होगा, ये जो पत्ता है ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक पत्ता और ले लेते हैं। अब जैसे कि ये पत्ता है, इसमें देखते हैं लाइन कौन से पत्ते की कम है, तो यहाँ से लेके सारे पत्तों में लाइन फुल है, यहाँ जाके पत्ते में लाइन कम है, तो यहाँ ये पत्ता है किंग, किंग यानी कि ये बादशाह है, ठीक है दोस्तों। और इसका कलर जो बनेगा, इसमें लाइन ऊपर नहीं है, तो ये भी ब्लैक है, यानी कि बादशाह है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये देखो दोस्तों बादशाह ब्लैक कलर का। तो ये इसका बेसिकली हिंट है। आप जो है दोस्तों इस गड्डी का नाम याद रखें, मिस्टर मैक्स, ठीक है। अब ये गड्डी आपको मिलेगी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसके बेसिकली हिंट होते हैं, ध्यान से अगर आप देख लें, ध्यान से रट लेंगे तो आप इस मैजिक ट्रिक को आराम से कहीं भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में जो है फन कर सकते हैं, उनको परेशान और हैरान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं बताऊंगा, अगर आप ये गड्डी खरीदना चाहते हो तो कैसे मिलेगी आपको, ठीक है, चलूगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे, अगर आप भाई परेशान हो इस तरह की मैजिक वाली गड्डी कहाँ मिलेगी, कैसे खरीदी जाएगी, तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मिस्टर मैक्स कंपनी है जो प्लेइंग कार्ड बनाती है, आप किसी भी दुकान पर जाकर ये पता कर सकते हैं, किसी भी शॉप की दुकान पर अगर मिस्टर मैक्स के कार्ड होंगे तो मिल सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये कहीं भी शॉप पे अवेलेबल होंगे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये कार्ड जो है मिस्टर मैक्स के अमेजोन पे अवेलेबल है ये गड्डी, ठीक है। ये गड्डी जो है अराउंड 200 के आसपास होगी, यानी कि 200 रुपये के आसपास की ये गड्डी होगी, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी घर बैठे, ठीक है। अगर आप ये गड्डी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं इस मिस्टर मैक्स की गड्डी का लिंक जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं और अपने दोस्तों में फन कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों मैजिक ट्रिक यही थी। अगर आपको हमारी ये मैजिक ट्रिक पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल पे भैया जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और भी दोस्तों हमारे इस चैनल पे मैजिक ट्रिक मिलेंगी, बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर, और दोस्तों कोशिश करेंगे अनोखी से अनोखी ट्रिक आपको सिखाई जाए। और कभी कभार दोस्तों हम इस पर कॉमेडी वगैरह फन वीडियो भी अपलोड कर दिया करेंगे, तो इस तरह की वीडियो आप देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करो, ठीक है दोस्तों, चलिए।